गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सो आज मैं और मेरा भाई खेलने वाले हैं वीडियो गेम। चल भाई वीडियो गेम खेलते हैं। चलो चलो मैं तो माइनक्राफ्ट खेलूंगा, तू क्या खेलेगा? भाई बहुत दिन हो गए हम लोगों ने वीडियो गेम नहीं खेला है, लेकिन मैं भी आज माइनक्राफ्ट ही खेलने वाला हूँ। हाँ तो चल दोनों मिलके माइनक्राफ्ट खेलते हैं। हाँ यार बहुत मजा आने वाला है आज तो। ओके चल भाई खेलना शुरू करते हैं। लेकिन नीचे कौन खड़ा हुआ है? लगता कोई हमसे मिलने के लिए आया है। भाई यदि कोई खड़ा है नीचे बहुत सारे लोग। हमसे कौन मिलने आएगा? हाँ वेट भाई, ये तो स्कैरी पेपा पिग है। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है? अरे लगता है ये हमारे घर के ऊपर अटैक करने के लिए तो नहीं आई है। भाई मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एंड ये देख, ये तो अपनी पूरी फैमिली के साथ आई है हमारे घर पे अटैक करने के लिए। अबे हाँ भाई, ये तो हमारे घर पे अटैक कर रही है स्कैरी पेपा पिग की फैमिली। हाँ एंड ये लोग देख ग्लास तोड़ना चाह रहे हैं, हमारे घर के अंदर घुसना चाह रहे हैं भाई। लेकिन ये लोग कहाँ पे गए हैं? भाई वो हमारी विंडो को तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करें भाई, बता को सोच भाई, हम लोग क्या करें? अगर हम लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा तो ये लोग हमको हमारे घर के अंदर घुसकर ही मार देंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। लेकिन हम लोग क्या करें यार, ये कौन सी जगह है? भाई रुक जा, यहाँ पर एक बेसमेंट है, मैं इनको यहाँ से देखता हूँ। ये देख, ये इतने सारे पेपा पिग जो है ना वो हमारे डोर पर ही खड़े हुए हैं। ओ माय गॉड। भाई तू मार सकता है तो इनको मार, क्योंकि ये देख बार बार गेट खटखटा रहे हैं भाई। ये लोग डोर ना तोड़ दे कहीं। अरे भाई बहुत डर लग रहा है मुझे, मैं कुछ भी नहीं करने वाला भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे ये देख कितने सारे स्कैरी पेपा पिग हैं, बहुत सारे हैं भाई बहुत सारे। एंड ये लोग स्कैरी कितने ज्यादा हैं भाई, हम लोग क्या करें? ये लोग तो जा ही नहीं रहे हैं भाई, तू उनको मार वहाँ से। भाई ये लोग कब जाएंगे यहाँ से? रुको मैं इनको मारता हूँ अपने एरो से। भाई बारिश हो रही है, लेकिन रुको मैं इनको मारता हूँ वरना ये लोग यहाँ से जाएंगे ही नहीं। अरे भाई आराम से, कहीं वो तेरे को देख ना ले। भाई वो उन्होंने तेरे को देख लिया ना फिर वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। भाई इसने मुझे देख लिया है, स्कैरी पेपा पिग ने मुझे देख लिया। भाई ये देख, ये मेरे को घूर रहे हैं। लेकिन नहीं नहीं मेरे पास मत आना प्लीज। लेकिन तू मेरे पास आ भी नहीं पाएगा बेटे, क्योंकि मैं अपनी बेसमेंट के अंदर हूँ, तू बाहर है। लेकिन मैं तुझे अपने एरो से मार सकता हूँ, निकल यहाँ से जा। हाँ भाई वो लोग चले गए, भाई वो लोग चले गए। अरे वाह। हाँ वो लोग चले गए। सो गाइस हम लोग दोबारा अपने रूम के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग वीडियो गेम खेलने के लिए जा रहे थे ना वहीं पे। लेकिन हम लोगों ने कैमरा को चालू कर दिया है अपने घर के नीचे, चेक करने के लिए कि आखिर हमारे घर के नीचे क्या हो रहा है। हाँ ये क्या, पेपा पिग ने तो हमारे घर के अंदर हमला कर दिया है। वो पूरी की पूरी जो फैमिली है ना हमारे घर के अंदर घुस चुकी है। लेकिन हमारे घर के अंदर घुसने के बाद ये लोग करने क्या वाले हैं? क्या ये लोग हमारे पास आने वाले हैं? हम तो ऊपर बैठे हुए हैं ना, और ये लोग नीचे आ चुके हैं। एंड वहाँ पे एक गोल्ड का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जो कि मेरे भाई ने एक ट्रैप बना के रखा है। लेकिन क्या वो ट्रैप इसके ऊपर गिरेगा? एंड क्या ट्रैप से ये पेपा पिग मरेगा? भाई रुक जा, मैं इनके ऊपर एनविल डालने वाला हूँ, फिर ये लोग बचेंगे नहीं। तू एकदम शांत रहना, इनको पता ना लगने पाए। ओके ओके, बस डालने वाला हूँ इस मोटे से पिग के ऊपर। चल भाई डाल दूं क्या इसके ऊपर मैं एनविल? हाँ भाई डाल दे जल्दी फटाफट। हाँ रुक जा डाल रहा हूँ। ओके आज ये बचेगा नहीं। ओके हाँ भाई, इस कोदो को छुआ ही नहीं। हाँ यार इसे कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई हमारा ट्रैप फेल हो चुका है। एंड भाई मुझे अब लग रहा है कि ये तीनों के तीनों ऊपर आने वाले हैं। ये देख ये तो सच में ऊपर ही आ रहे हैं। एंड हम लोग भी ऊपर ही हैं भाई, अब हमारे साथ क्या होगा? भाई हमारे साथ अब वही होगा जो हमारे साथ हमेशा होता है, और वो है हमारी डेथ। रुक जा, मैंने यहाँ पर ट्रैप बना के रखा हुआ है, देखते हैं ये लोग इसमें ट्रैप होते हैं या नहीं। ओ शिट, इन लोगों ने तो ये पार कर लिया। एंड ये लोग आ चुके हैं भाई ऊपर। हाँ ये लोग ऊपर आ चुके हैं, और वो भी हमारे गेट के सामने खड़े हुए हैं, और हमारा ये रूम है। भाई अब क्या करें, हमारे पास एक गन तो है, लेकिन मैं अपनी गन से शायद इन्हें मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ओ नो,
भाई देखते हैं क्या होता है। भाई मार दे इनको, छोड़ेंगे नहीं। यस यस यस, फाइनली हम लोगों ने कर दिखाया, ये मजा आ गया। दोस्तों हम लोगों ने उन पेपा पिग को पता है यहाँ पे देखो बंद कर लिया है। अरे यस भाई, हम लोगों ने मिलके फाइनली इन तीनों को पकड़ लिया है। हाँ भाई, क्या क्या भाई क्या आ रहा है ये न्यूज में? व्हाट ब्रेकिंग न्यूज, एक खतरनाक सा मॉन्स्टर आ गया वर्ल्ड में, लेकिन कब कैसे एंड कहां पे आया है? गाइस यहां पर एक न्यूज आ रही है कि हमारे वर्ल्ड के अंदर आ चुका है खतरनाक सा मॉन्स्टर, लेकिन वो मॉन्स्टर कौन है वो हमें नहीं पता है। लेकिन गेट पे कौन आ गया मेरे इतनी रात को? अबे यार तू है, मुझे लगा कोई और ही आ चुका है। अरे भाई मेरी बात एकदम ध्यान से सुन, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ दो रातों से, भाई तू मेरी मदद कर सकता है क्या? यस ब्रो ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं करूंगा तेरी हेल्प। भाई यार मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ, चल तू पहले मेरे घर पे चल, मैं तेरे को दिखाऊंगा। बताऊँ भाई मेरे साथ क्या हो रहा है दो रातों से? हाँ बता भाई क्या हो रहा है। भाई पता नहीं क्यों मेरे घर से बहुत खतरनाक डरावनी आवाजें आ रही हैं। लेकिन क्यों आ रही हैं भाई आवाजें, ऐसा कौन है तेरे घर पे? भाई मुझे खुद नहीं पता, इसलिए तो मैं तुझे लेके आया हूँ, तू चेक कर मेरे हाउस को। ओके ब्रो, मैं तेरा घर चेक तो कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तेरे घर में कोई होगा, क्योंकि तेरा घर बहुत ही मस्त लग रहा है भाई। भाई वो सिर्फ देखने में लग रहा है, लेकिन रात के अंदर भाई जब मैं सोता हूँ ना, तब बहुत खतरनाक चीजें होती है मेरे हाउस के अंदर। क्या होता है ऐसा? क्या तेरे घर के अंदर डरावनी आवाजें आती हैं क्या, भूत वाली? यस ब्रो, एकदम भूत वाली डरावनी आवाजें आती हैं। लेकिन वो किसकी हो सकती हैं? लेकिन ये कौन है, ये कौन है? स्कैरी पिग। भाई तेरे बेड के नीचे स्कैरी पिग है। अरे भाग यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से भाई, तेरे बेड के नीचे स्कैरी पिग रहते हैं और तेरे को पता ही नहीं है इसके बारे में। अबे ये लोग कहाँ से आए? मुझे नहीं पता भाई ये लोग कहाँ से आए। यार ये लोग मेरे बेड के नीचे हैं एंड आज तक मेरे को पता ही नहीं लगा। भाई अब हम लोग क्या करें? भाई हमें करना क्या है, उसको अगर गुस्सा आ गया ना पिग को, तो वो हमें हमारे घर के अंदर घुसकर ही जान से मार देगा। इसलिए रुक जा, हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा कि वो घर के अंदर शांति से बैठे हैं ना, तो हम उन्हें लावा से मार सकते हैं। हाँ चल चल। ओ ओ शिट भाई, वो लोग कहाँ पे गए? हाँ भाई वो लोग तो अभी यहीं पे थे, इतनी जल्दी वो लोग कहाँ जा सकते हैं? हाँ यार इतनी जल्दी वो लोग यहाँ से गायब कैसे हो सकते हैं, और कहाँ पे चले गए इतनी जल्दी? बाहर तो कोई रास्ता भी नहीं है भागने का। हाँ पता नहीं भाई वो लोग कहाँ चले गए। यार ऐसे तो कोई रास्ता भी नहीं है मेरे घर में, ना ही कोई बेसमेंट है, और इतनी जल्दी कोई कहीं जा भी नहीं सकता, लेकिन ये लोग कहाँ चले गए? हाँ यार वही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग यहाँ से कैसे भाग गए इतनी जल्दी। अच्छा भाई चले गए हैं तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। चल फिर हम लोग सीसीटीवी कैमरास लगा देते हैं ना। हाँ यार तू सही कह रहा है, हमें तेरे घर के अंदर कैमरा लगाने चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ कैमरा से ही पता लगेगा कि तेरे घर के अंदर से वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए, वो स्कैरी पेपा पिग। एंड भाई कैमरे के अलावा और कोई दूसरा चांस हमारे पास नहीं है। हाँ तो चलो फिर घर पे चलते हैं, कैमरा तो लग चुका है अब। हाँ भाई चलो चलते हैं, लेकिन रुक जा भाई, ये देख भाई यहाँ पे कैमरा चालू हो चुका है, और हम लोग को देखना है कि वो स्कैरी पेपा पिग यहाँ पर आते हैं या फिर नहीं। लेकिन भाई मेरे हाउस में अभी तक कोई आया ही नहीं है, मुझे लग रहा है पेपा पिग की फैमिली वहाँ से चली गई। नहीं मुझे लगता है वो लोग आते होंगे, उन लोग को थोड़ा टाइम लगने वाला है ना। अच्छा भाई वो वेट, वहाँ पे क्या हो रहा है भाई, वो लोग कौन है? ओ ये तो पेपा पिग है, ये तो पूरी फैमिली है, लेकिन ये लोग निकल कहाँ से रहे हैं? अरे हाँ यार ये तो तेरे घर के अंदर से निकल रहे हैं बाहर, तेरी सीक्रेट जो लाइब्रेरी है ना उसके नीचे इन लोगों ने बेसमेंट बना के रखी है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, सिर्फ यही लोग इसके बारे में जानते हैं, एंड शायद तेरे को भी नहीं पता है। हाँ मेरे को नहीं पता है भाई, बेसमेंट तो मेरे घर में थी नहीं, एंड ये लोग क्या कर रहे हैं अब? इन लोगों को शायद भूख लगी है इसलिए ये लोग ऊपर आए हैं।
हाँ भाई, ये लोग ऊपर आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है ये लोग बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। लिटरली ये देख, यहाँ वहाँ तेरे को ढूंढ रहे हैं, तू कहाँ पर है, लेकिन तू इन्हें नहीं मिल रहा है। अगर तू इन्हें आज मिलता तो ये तेरे को पक्का आज खा लेते। हाँ, मुझे भी देखकर ऐसे ही लग रहा है, लेकिन इन्होंने मेरे फ्रिज के अंदर से एप्पल्स निकाल लिए हैं एंड ये लोग खा रहे हैं उनको। हाँ भाई, वो खा रहे हैं, लेकिन भाई मुझे एक बात का बहुत बड़ा डर है कि कहीं ये तेरे घर को ब्लास्ट ना कर दें। लेकिन ये तीनों तो कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये बाहर कहाँ पर जा रहे होंगे? भाई मेरी बात सुन, वो तीनों भी कहीं कुछ देर के लिए बाहर गए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा मौका है तेरे घर के अंदर जाने का और उनकी बेसमेंट के अंदर जाने का और चेक करने का कि वो उनकी बेसमेंट के अंदर ऐसा क्या है। हाँ भाई, फिर चलो चल के देखना पड़ेगा हम लोगों को। फिर भाई चलो चलते हैं, लेकिन वो लोग आ गए तो भाई हमारे साथ क्या होगा? मुझे लग रहा है वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे नहीं भाई, वो लोग नहीं आएंगे। वो लोग अभी खाना खाने के लिए शिकार पे गए हुए हैं बाहर और उन्हें वापस आने में बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है एंड वो कम से कम एक घंटे के बाद आने वाले हैं। फिर तो भाई एक घंटे में हमारा काम हो जाएगा, तो चलो फिर चलते हैं इनकी बेसमेंट के अंदर। लेकिन इनकी बेसमेंट में कोई होगा तो नहीं? भाई अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा शायद, लेकिन कोई हो भी सकता है, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। चलो यहाँ पर देखता हूँ। ये देख, यहाँ पर कोई भी नहीं है भाई, मजा आ गया। लेकिन ये रूम देख कितना साफ सुथरा है, देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर चेस्ट है, बेड है एंड एक टॉयलेट है, यहाँ पर केक भी रखा हुआ है। हाँ यार, काफी मस्त है भाई, काफी मस्त लग रहा है रूम तो। लेकिन ये रूम काफी मस्त नहीं है, ये रूम स्कैरी पेपा पिग का है, इसीलिए हमें यहाँ पे ज्यादा ड्रामा नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, फिर चलो हम लोग करें तो करें क्या, पहले मेरे को भूख लगी है, मैं केक खा लेता हूँ। हाँ भाई खा ले, लेकिन इस केक में जहर तो नहीं है, इसीलिए संभाल के ब्रो। अबे भाई ये देख, इनके चेस्ट में तो मेरे डायमंड्स गोल्ड एमराल्ड निकल रहे हैं, इसका मतलब ये लोग चोर भी हैं। हाँ भाई, ये लोग बहुत बड़े चोर हैं। हाँ, क्योंकि इन्होंने मेरे डायमंड्स चुराए हैं। भाई अब तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इन लोगों ने मेरे घर का सब कुछ चुरा लिया है। हाँ भाई, ये लोग चोरते हैं एक नंबर के। सो गाइज, अब टाइम आ चुका है बिल्ड बनाने का उनको, मतलब उनके ऊपर नज़र रखने के लिए। सो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है कैमरा एंड हम लोगों ने सारे का सारे ट्रैप कंप्लीट कर दिए हैं उस बेसमेंट के अंदर। लेकिन हमारा एक ट्रैप बाकी रह गया है एंड वो ट्रैप हम लोग बनाने वाले हैं घर के बाहर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड इसके अंदर ही वो लोग फंसेंगे। अगर भाई वो लोग अंदर वाले ट्रैप से बच गए तो वो लोग बाहर वाले ट्रैप में फंस जाएंगे एंड इस वाले ट्रैप से वो लोग नहीं बचेंगे। हाँ यार, इसीलिए तो मैंने ये ट्रैप बनाया है। लेकिन भाई हमें सिर्फ इंतजार करना है, लेकिन रुको, पहले हमें ये ट्रैप को पूरा बनाने दो।